हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेवरेट स्टॉक। हम सभी के पास में ना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जहां पर अपन एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है ना, साल में एक से दो बार ही आती है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है हैप्पीएस्ट माइंड के जरिए। हम सभी जानते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड का जो है वो आईपीओ आने वाला है, राइट? आप सभी जानते होंगे। सो हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। हालांकि उनके और भी बहुत सारी सेक्टर में पकड़ है, लेकिन मेन जो उनका काम है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का ही है। और अभी जो है उनका आईपीओ आ रहा है, जिसके जरिए वो 700 करोड़ जो है वो रेज करने जा रहे हैं। अभी यहां से हमारा क्या बेनिफिट है? हम सभी जानते हैं कि अभी इस सिचुएशन में जो है वो सबसे ज्यादा जो ग्रो कर रही कंपनियां वो आईटी सेक्टर ही है। और जब एक आईटी सेक्टर का ही आईपीओ आने वाला है, जिसका कि हम सभी जानते हैं जो कर्ता धरता है वो कौन है, वो है अशोक सूटा जी। इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये पहले जो है विप्रो में काम किया करते थे, उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की। हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो इन्होंने ही बना के तैयार की हुई है। और कहा जाता है कि ये काफी ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, प्लस जो ग्रो देखने के लिए मिला है सॉफ्टवेयर कंपनी में इनकी, वो इनके कारण ही है। और किसी भी कंपनी को ना दोस्तों, चलाने वाला उसके अंदर के लोग ही होते हैं। कंपनी ऐसे ही ग्रो नहीं करती है। आप चाहे जितने भी एग्जाम्पल उठाकर देख लो, उसमें काम करने वाले जो लोग है ना वो उस कंपनी को ऊपर लेकर जाते हैं। और ये जो पर्सन आपके सामने है अशोक सूटा जी, इनके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करिए, आप जान पाएंगे कि ये किस तरह की पर्सनालिटी है और किस तरीके से उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड को क्रिएट किया है। अभी दोस्तों बात ये आती है कि यहाँ से हम किस तरीके से एक दिन में 10,000 कमा सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, और अगर ये प्रोसेस जेन्युइन ना लगे आपको तो मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है ना वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। और आईपीओ के टाइम पे स्पेशली ये अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिलती ही है। चलिए वन बाय वन सारी चीजों को जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। आईपीओ जो है वो 7 तारीख को ओपन हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 9 तारीख को क्लोज हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो उसका अलॉटमेंट है वो आपको 14 तारीख को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 15 तारीख को जो है आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फाइनली 17th of September को ये आईपीओ जो है वो अपने मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। दोस्तों बड़ी बात क्या है? बड़ी बात दोस्तों ये है यहाँ पर कि 700 करोड़ ये रेज करने जा रहे हैं, ठीक है? और इस आईपीओ का मिलना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा डिमांड में ये आईपीओ चल रहा है। रीजन क्या है? रीजन पहली चीज तो अशोक सूटा जी है। दूसरा रीजन क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो कि अभी सबसे ज्यादा डिमांड में है। और वैसे भी हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो एक काफी बेहतरीन कंपनी है, ये हम सभी जानते हैं। डब्बा बाजार का भाव क्या है मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, और कैसे हम 10,000 के प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं वो ही बताने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन एक चीज देखिए आप, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इसका जो लॉट साइज होगा ना वो 90 शेयर का होगा। मतलब आपको कम से कम 90 शेयर तो लेने ही पड़ेंगे। और इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो कितना है, वो है यहाँ पर देखिए आप 165 से 166 रुपये आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो 166 रुपये ही पकड़ के चलिए आप, ठीक है? तो 166 मल्टीप्लाई बाय 90 अगर आप करोगे तो वो कितना होता है, वो होता है 14,940, मतलब 14,940 रुपये ये होते हैं। मिनिमम आपको एक लॉट तो करना ही है, और मैक्सिमम आप 13 लॉट कर सकते हो, लेकिन कोई भी मतलब नहीं है करने का, आपको एक लॉट ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक चीज और यहाँ पर जानने वाली ये है कि अभी करंटली जब आईपीओ नहीं आया है तब प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 61.77% है, लेकिन आईपीओ होने के बाद ये प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 53.25% हो जाएगी, जो कि बहुत एक अच्छा परसेंटेज है, ठीक है? तो आईपीओ के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कब ये रिलीज होने वाला है, कितने में रिलीज होने वाला है, कितना लॉट साइज रहेगा, कितने रुपए आपके पास होने चाहिए, ठीक है? मेरे आपकी एक छोटी सी सजेशन ये रहेगी कि अगर आपके फैमिली में एक दो लोगों के ज्यादा ब्रोकर अकाउंट्स हैं, मतलब आपका है, आपकी वाइफ का है, आपके मॉम का है, डैड का है, तो सभी से आप इसे अप्लाई करिए, क्योंकि ये लगना आईपीओ भी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है?
इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, डब्बा बाजार क्या कहता है इस आईपीओ के बारे में और किस तरीके से आप 10,000 रुपए मात्र एक दिन में कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, 4 तारीख मतलब आज की ये खबर है, ओके। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड शूट्स अप 75% अहेड ऑफ आईपीओ। क्या मतलब है इसका, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, द ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑन द इशू हैज बाय 115 to 125 पर शेयर ओवर द आईपीओ प्राइस बैंड ऑफ 165-166 पर शेयर। मतलब ये आईपीओ जो आने वाला है वो 165 से 166 की रेंज में आने वाला है, हम सभी जानते हैं। आप पकड़ के चलिए कि 166 पे ही आने वाला है, ठीक है। अभी उसके ऊपर ये 115 से 125 रुपए ऊपर खुलेगा, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब क्या है 166 प्लस 125 अगर आप करेंगे तो कितना होता है फ्रेंड्स, 291 होता है, समझ रहे हैं। मतलब आपको ये एक शेयर मिलेगा 166 में और ओपन होने के चांसेस जो हैं वो 291 के हैं, और ये आज के डब्बा बाजार के प्रीमियम है दोस्तों, प्राइस है। और आज 4 तारीख है, अभी भी 3 दिन बाकी है, तो विश्वास मानिए ये बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज आने की गुंजाइश बहुत कम है, ना के बराबर ही, आप समझिए। तो मैंने आपको आईपीओ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, डब्बा बाजार का हाल ही बता दिया क्या है, अभी हम कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस आईपीओ को 100% सब्सक्राइब करना है। हालांकि मैं आपको बोल नहीं सकता ये कोई बाय या फिर कोई सेल की रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस आईपीओ को डेफिनेटली सब्सक्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। और खुद मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी फैमिली मेंबर से भी बोलूंगा कि इसको आप सब्सक्राइब कर लो, किसी का तो लगेगा ना, ठीक है। अब एक लॉट अगर आपको मिल जाता है, आपको कोशिश करना कि आपको कम से कम एक लॉट तो मिल ही जाए, ठीक है। एक लॉट मिलने के बाद में जिस दिन ये आईपीओ लिस्ट होगा, मतलब कब, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 17 तारीख को, मतलब 17 तारीख को जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा, उसी दिन मैं बोलता हूँ कि 125 रुपए जो है ये ऊपर नहीं खुले। कोई बात नहीं, हम पकड़ के चलते हैं दोस्तों, चलो मान के चलते हैं कि 125 रुपए ये ऊपर नहीं खुलेगा, ठीक है। लेकिन 115 तो ऊपर जाएगा ना, 115 से 125 की रेंज हमें अभी दिखाई दे रही है डब्बा बाजार में, हम मिनिमम पकड़ के चलते हैं 115। अगर आप 115 मल्टीप्लाई बाय 90 करोगे, क्योंकि 90 शेयर है, वो आता है तकरीबन 10,300 के ऊपर, तो श्योर शॉट आपको यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट इजीली होगा। और मैं बात कर रहा हूँ एकदम मिनिमम रेंज की, जैसे ही ओपन हुआ अगर आपने वैसे भी सेल कर दी, क्योंकि जो अनुमान लगाए जाते हैं हर एक आईपीओ को, आप देख लीजिए जितने भी अच्छे आईपीओ हुए हैं, अभी रोसारी का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, जिस प्राइस में उसको आना था उससे कितने ऊपर वो खुला और उसके बाद वो कितने ऊपर गया, आप एक बार हिस्ट्री देखिए आपको समझ में आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसकी लिस्टिंग 115 रुपये ऊपर होती है, ठीक है, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ मिनिमम प्राइस पे, तो कितना होता है 281 इसका प्राइस हो जाएगा, 166 से 281। और 281 पे भी अगर ये ओपन होता है तो उसके बाद भी ये ऊपर जाएगा ऑन अ सेम डे, तकरीबन मान के चलिए ये 300 के बाद इजीली जाएगा, ठीक है। पर हम मिनिमम लेके चलते हैं, हमने 281 में इसको सेल कर दिया तो आपके 10,000 कहीं नहीं गए, 10,000 सीधा आपके पॉकेट में, आपने सेल किया और उस दिन का आपके मार्केट का काम पूरा हो गया। दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूरा तरीका एक दिन में ही 10,000 से ज्यादा कमाने का, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं इस आईपीओ के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द फेवरेट स्टॉक को, तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।